गुड इवनिंग गाइस, आज हम लोग बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। क्या हुआ ऐसा कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की नैया बीच भंवर में डूब के रह गई। इसकी शुरुआत हुई है ILNFS से। ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करने शुरू किए, डेब्ट पेमेंट बैंकिंग लोन रिपे नहीं कर पाई और कमर्शियल पेपर भी मैच्योरिटी पे रिडम नहीं कर सकी। ऐसी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को लोन अक्सर छोटे शेड्यूल बैंक्स या कॉरपोरेट से मिलते हैं। जब ILFS को लोन रिपे नहीं कर पाई तो इन इंस्टीट्यूशंस ने NBFC के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट पैसा मिलना मुश्किल हो गया। अब पिक्चर में एंट्री होती है DHFL की। जैसा मैंने बताया कि पैसा मिलना हुआ मुश्किल, तो DHFL को भी बिज़नेस की रोलिंग करना भारी पड़ने लगा। इनका बिज़नेस मॉडल लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता था, जिसका NPA बहुत ज़्यादा था। ये पहला रेड सिग्नल था, पर इन्वेस्टर ने नज़रअंदाज किया क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रही थी। उसके ऊपर रेटिंग एजेंसीज भी बुलिश थी DHFL पे। अब जैसे जैसे रीपेमेंट की तारीख नज़दीक आए तो DHFL डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दे। ये देखते ही रेटिंग एजेंसीज़ की रातों की नींद ख़राब हो गई। जो कंपनी पे इंडस्ट्री बुलिश थी, उसे रातों रात दे दी गई D की रेटिंग। साथ ही नए नए फ्रॉड भी सामने आने लगे। बातें होने लगी कि इसके मैनेजमेंट ने कंपनी का पैसा पर्सनल यूज़ में लगाया है। सबसे बड़ा नाम आया था कपिल वाधवान जी का। वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो अब ऐसी कंपनी का किया क्या जाए? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ये कंपनी को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दे और इसकी नीलामी करके जो पैसे मिले उससे क्रेडिटर्स को देके सेटलमेंट कर दे। इसे खरीदने के लिए सामने आए पीरामल, अदानी, ओक ट्री और हांगकांग बेस्ड बिजनेसमैन। अब सब सोचेंगे ऐसी खराब सड़ी हुई कंपनी को कोई क्यों खरीदेगा। कोई इसलिए खरीदेगा क्योंकि उन्हें मिल रहा है रेडीमेड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी, जिसके स्टाफ और ब्रांचेस ऑलरेडी इंडिया में Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में सेटअप किए हुए हैं। ऑलमोस्ट एक तरीके से समझिए कि रेडीमेड बना बनाया हुआ बिजनेस मिल रहा है, खाली उसे ऑपरेट और मैनेज करना है। अब आती है आपकी और मेरी बात कि हम इससे पैसे कैसे कमाएं। इसका जवाब है कि रूमर्स पे शेयर को खरीदिए और न्यूज़ आते ही इसे बेच दीजिए। ये इंडिया में काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। इसमें एक न्यूज़ आई 8 जून को कि इसका अप्रूवल मिल गया है पीरामल ग्रुप को ये कंपनी को टेक ओवर करने का। इसमें 94% इन्वेस्टर्स का अप्रूवल भी आ गया। उसी दिन इसमें लगा अपर सर्किट और ये ट्रेड कर रहा था 22 रुपए की रेंज में। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि ये अप्रूवल अभी पेंडिंग है, जब तक NCLT से अप्रूव नहीं करती है। जैसे ही ये न्यूज़ आई वैसे ही इसमें लगने लग गए लोअर सर्किट और जो शेयर 8 जून को 22 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज 11 जून को 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हैं आप, इन्वेस्टर्स का 20% कैपिटल इसने 2 दिन में साफ कर दिया। और ये ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। फ्यूचर रिटेल, रुचि इंफ्रा, आर पावर, ये सब इन्वेस्टर्स का पैसा
ऐसे ही ख़त्म कर देती हैं। इसमें सलाह सिर्फ एक होगी इन्वेस्टर्स के लिए कि इसमें अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि ये ऐसे कॉल होंगे जो चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो इसमें आपको 10 में से 6 बार लॉस ही होगा। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए आप 10,000 रुपए की, ऐसा पैसा जिसे अगर आप खो भी देंगे तो आपको दुख नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियो और बनाएं। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।